माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिमंडल में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, हेमंत बाबू है तो हिम्मत है। आज 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनादास को प्राप्त किया गया था। और आज सरकार भर गठन की गई हेमंत बाबू के नेतृत्व में। गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और इस परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या अस्पताल में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जी तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। इसलिए महोदय, इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज्य के प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था, इस तरह से लॉकडाउन हुआ पूरा भारत वर्ष में, जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, दो अढ़ाई तीन महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया।
बस से ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। दो साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ, हेमंत बाबू का नेतृत्व में 4 साल हुआ। 4 साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा और धनी प्रदेश और सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं, मेजर खनन, आयरन और कोयला। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला, लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन और का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ, जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक यहाँ के आदिवासी मूलवासी का सामाजिक आर्थिक शिक्षा के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे, यहाँ का आदिवासी मूल क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है, क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी हुआ है? उसी को समझते हुए हेमंत बाबू ने सोचा, हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण केवल हेमंत सोरेन का चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है, हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो सवर्जन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी डीडीसी अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना आपकी स्वर आपके द्वार कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज सवर्जन योजना से जोड़ने का काम किया। ये क्या गुनाह है?
जो हमारा मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पर मैट्रिक करते हैं, जो डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं मिलते, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को निकल दिया, आपको 15 लाख तक ले लीजिए, आओ डिप्लोमा इंजीनियर कीजिए। छात्रवृत्ति को 1 गुना 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया फ्री। स्मार्ट मॉडल स्कूल भी शुरुआत किया किसके लिए? ये सोच के ये योजना लाया है मोदी बाबू ने। जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा। ये क्या गलत है? हमारा विपक्ष साथी को झारखंड अलग राज्य होने के बाद काफी समय नेतृत्व तो क्या इस प्रदेश का, हमको तो गुरुजी दिशम गुरु शिव संस्कार हमको सिखाया, संघर्ष करने को सिखाया, उसी का विद्यार्थी हूं मैं। दिशम गुरु शिव सरण को आदर्श है। झारखंड आंदोलन से लेके अभी तक हमने इस मुकाम तो गया, संस्कार सिखाया हम लोग किसी में हम लोग, लेकिन मजदूर है। आज नहीं बोलने की इच्छा थे, आज आपके बीच में बोलने का हमने मजबूर। जो देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया है, हमारा 2019 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत का सरकार बना। और मुख्यमंत्री रहते हुए जमीन का घोटाले के बाद जिसका खाता ना बही में लिखा हुआ हेमंत बाबू के नाम पर, और उसी के नाम पर आज उनको जेल तक जाना पड़ा। हम उस समय याद हमको आता है कि आज झारखंड के इतिहास को हम याद करते हैं, जब जब यहाँ का आदिवासी नेतृत्व, आदिवासी या दलित मूलवासी के लिए नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं, उस समय उसको हर तरह का शिकंजा ये करके उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास करते हैं। चाहे बाबा तिलका मांझी का इतिहास, चाहे सिद्धू कन्हू चांद भैरव फूलो जानो का इतिहास, चाहे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास, चाहे पोटोहो का इतिहास, चाहे ताना भगत का इतिहास और वीरों का इतिहास, इसी धरती के आदिवासी मूलवासी का सामाजिक व्यवस्था, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उनको अभी आवाज संघर्ष था। लेकिन आज हेमंत बाबू के ऊपर में किसी तरह का आज खाता बहु में नाम नहीं है उस जमीन में। पूरा देश की जनता देखते हेमंत बाबू के साथ क्या उन्नाय हुआ है। यही उनका गलती है। आज हमारा विपक्ष का साथी का कार्यक्रम बनता गांव के ओर जाने के लिए, कोई भी गांव जाइएगा हेमंत बाबू का हर घर में योजना देखिएगा। उसको मिटा नहीं सकिएगा।
जिसका बदन में कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दिया, जिस घर में कभी दिया नहीं जलाया था उसका दिल में दिया जला कहेगा, वो आप मिटा नहीं सकेगा। ये हेमंत तो इसीलिए हम पार्ट टू है गौरव कृषा बुनियादी यहाँ पर समझा कि बिना शिक्षा से यहाँ पर हमारा आदिवासी मूल में कभी भी आज के आधुनिक युग में अपना खड़ा नहीं हो सकता है। आज ने कृत्रिम का सिंचाई का भी व्यवस्था शुरुआत कर दिया, जहां पर दुमका एलिया में मछलिया में आज 30,000-40,000 हेक्टर पानी में कुछ महीनों के बाद मिलने जाएगा, जो 12 महीना उस खेती में पानी होगा, ये हेमंत बाबू ने शुरुआत किया। और ये माइनिंग इलाका है, उद्योगिक इलाका है, यहाँ का आदिवासी यहाँ का मूलवासी का युवा को 75% जी कंपनी में प्राथमिकता मिलेगा, ये कानून बना दिया। यही साथ गलत समझते है हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण, ऐसा बहुत सा योजना हमने गिनती कर दी जाए तो बहुत काफी आएगा, लेकिन महोदय आज केंद्रीय एजेंसी का आज हम लोग हमने नहीं लेना चाहते हैं किसी का नाम, लेकिन मजबूर हूं आज लेंगे। इसी सदन का सदस्य एक साथी था बुंदू तिर्की, 5 लाख और 3 बार विधायक बना था, 5 लाख रुपया के चलते उनको आज सदस्यता का होना पड़ा। लेकिन यदि सदस्य में है विपक्ष के सदस्य भानु प्रताप शाही, जिसका 7 करोड़ रुपया ईडी ने शपथ किया, इसीलिए आज उधर चल गया, इसीलिए उसके ऊपर ईडी नजर खत्म कर दिया। ये हम नहीं कहता, ईडी उसका संपत्ति जब्त किया है, उसका 7 करोड़ का संपत्ति जमीन भी, लेकिन हमारा हेमंत बाबू का जमीन खाता ना वही में लिखा हुआ है। आज ईडी ने उसको आज रिमांड में रखा है। हम तो चाहते हैं ये जो रांची है एक दिन हरियाली खेती था आदिवासी का, एजेंसी आ जाए हर खतियार हरियाली बना दे रांची को। क्या कहता है यहां भ्रष्टाचार, डेली ये भ्रष्टाचार का पाठ हम लोगों को पढ़ाता है उधर से। ऐसा अगर हम नाम की और भी नाम है हम बोलने लगेंगे तो बहुत काफी समय होगा, क्योंकि हम विरोधी का आदर्श शिष्य है, बड़ा संस्कार से चलते हैं। लेकिन आज इतना हेमंत बाबू का नेतृत्व, जनदास को आत्मापान इन बीच पचने करने का काम किया, इसलिए महोदय ऐसा ऐसा योजना हेमंत बाबू लाने के झारखंड की आदिवासी मूलवासी के कैसे खनिज भरो अपर देश में कैसे उन्हें उसका अधिकार और उनका हक कैसे अपना पैर में खड़ा होने के लिए ही एक खाका खींच लिया है, आज योजना बहुत तरीका से योजना बनाया है। इसीलिए हमारा विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर सका,
इसीलिए केंद्रीय एजेंसी को गलत तरीका से यह करके हेमंत बाबू को खाता बहु में नाम नहीं रहने का बावजूद भी आज जेल के खाला में रखा है। इसीलिए महोदय आज दोबारा विश्वास प्रस्ताव हम ले, वो तो 2019 में ही हेमंत बाबू ने ला के दिया था। इसीलिए तीर हाथ में खा के विश्वास कर लो, समर्थन कीजिएगा मुझे, ताकि इसी साधन में ही आरे केंद्रीय एजेंसी एक ही एक राजनीतिक दल को सत्ता में, केंद्र में, राज्य में बनाने के लिए दुरुपयोग करना ये देश जान चुका है, एक एक जनता जा चुका है। ईडी, सीबीआई, आईटी किस चीज के लिए, ये लोग सिर्फ सत्ता भाजपा के सरकार को बचाने के लिए, केंद्र से राज्य को में अपना सत्ता बनाने के लिए दुरुपयोग, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर, हमारा जयपाल सिंह मुंडा जो आज संविधान बना दिया, उसके आप लोग मत मिटाइए, उसको मान के ही हमारा लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए आज लोकतंत्र बचाने के लिए हेमंत बाबू का जनादेश को सम्मान के लिए मुझे आपका समर्थन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।